नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार चैट। भूख और इलाज के अभाव में जानवर तोड़ रहे हैं दम, डॉक्टर है लापरवाह। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए अनेक योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए बड़ा सा फरमान जारी कर दिया है, लेकिन विभाग के अधिकारी कर्मचारी ही शासन की मंशा पर माथा डालने का काम कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद उन्नाव के पूर्व विधान सभा का वह गांव परसा खेड़ा, जहां पर अन्ना जानवरों से किसानों की रक्षा के लिए खंड विकास अधिकारी व उप जिलाधिकारी महोदय की मध्यस्थता के बाद पशु चिकित्सालय को अस्थायी गौशाला में बदल दिया गया, लेकिन शासन की उपेक्षा तथा चारे पानी का अभाव जिसके चलते कई जानवरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार अखबार समाचार पत्रों में रोज निकाल रही है कि जानवरों के रखरखाव के लिए शासन पैसा भेज रहा है, लेकिन यह जानवरों का चारा कौन अधिकारी कर्मचारी खाए जा रहा है। ग्रामीणों का दर्द है कि हम लोग चंदा लगाकर भूसा दाना ला रहे हैं, फिर भी सरकार की उपेक्षा के चलते जानवरों को भरपेट आहार नहीं मिल पा रहा है। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी से जब टेलीफोन पर बात हुई तो समाचार के प्रतिनिधि को बताया गया कि एक गाय मरी है, जबकि हकीकत में 3-4 गायों की दर्दनाक मौत हो चुकी। गौशाला के निर्माण में लेकर जानवरों की मौत के सफर के बीच में भ्रष्टाचार का इतना जबरदस्त खेल उजागर हुआ है। समाचार टू जेट के लिए उन्नाव से मनीषा यादव की रिपोर्ट। नितिन कुमार, ये जानवरों का क्या है मामला? जानवर यहाँ बंद हैं महीना भरे तेने। इनकी व्यवस्था क्या है? इनकी व्यवस्था का सब ग्रामीण ये अपन चंदा वंदा लगा चारा पानी रोड टाली टक्कर दिला दिला दिलावा जात रोज एक दो टाली लागत चारा। प्रधान की क्या व्यवस्था है इसमें? प्रधान देते हैं सहयोग थोड़ा बहुत, ट्रैक्टर वैक्टर व्यवस्था करा देते हैं बड़ा बड़ा लावत। और प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है? प्रेजेंट टाइम यह लाही का भूसा खावा जा खावा रहे शाम सवेरे दोनों टाइम दो टाइम चारा दिन जाते पानी के लिए हल्दी बनाया। सरकारी सहायता क्या है? सरकारी सहायता प्रधान अपन कह देते हैं चारा पानी के ट्रैक्टर वैक्टर भाड़ा वाड़ा दे देते हैं डीजल वीजल के, और हम लोगन दे देते हैं 150 रुपया बस। और क्या सहायता है? मुन्ना बाबू सोनी, ये जानवरों का क्या है मामला? जानवरों का ये मामला है कि हम लोगों ने इनको यहाँ बंद किया, हम लोग खुद इनको चारा पानी इंतजाम कर रहे हैं। परसों पेपर में निकला कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि 30 रुपए प्रति जानवर दिया जा रहा है, अभी तक 1 रुपए नहीं प्राप्त हुआ। हम सब गांव वाले 2-4 गांव वाले मिल करके चारा पानी दे रहे हैं, अभी 1 रुपया नहीं आया है। इस यही हमारे लोग कहना कम से कम इनके लिए अगर आता है पैसा चारा दिया जाए। आप क्या जिसे प्रेजेंट टाइम में जानवर की मृत्यु कितनी हुई है? अब मान लीजिए 10-15-20 जानवर मर गए होंगे चारा के अभाव में, और पेपर में निकलता है दिए जा रहे हैं पैसे, यहाँ पैसा एक नहीं मिलता है। प्रधान की तरफ से आर्थिक सहायता क्या है? अब उनकी तरफ तो हम जानते नहीं है, जो प्रधान का गया हो वो जान सकता है, लेकिन बताते हैं लोग जो आते हैं। अभी 1 रुपया नगीना सिंह ने हमको बताया कि 1 रुपया भी नहीं हम लोगों को मिला प्रधान की तरफ से चारे के रूप में। मांग क्या करते हैं? मांग यही करते हैं कि अगर चारे पैसे मिल रहे हैं गवर्नमेंट से तो मिलना चाहिए, यहाँ यही मांग है हमारी, इनको चारा दिया जाए। क्या नाम है आपका? रोहित शुक्ला। अच्छा रोहित जी, ये बताइए पांसा खेड़ा एक गांव सभा पड़ती है पूर्वा विकास खंड का। जी हाँ। वहाँ पर आज पशु चिकित्सालय जहाँ पर जानवरों के मरने की सूचना मिली थी, हमारी टीम गई थी वहाँ पर जांच किया, वहाँ वाकई जानवर मरे पड़े हैं। क्या कारण है कि ये जानवर जो है खत्म हो गए हैं? रख रखाव के अभाव में कि चारे के अभाव में कि इलाज के अभाव में? भाई साहब, मरना तो स्वाभाविक है, हम लोग मृत लोग में पैदा हुए हैं, जो आदमी जन्मा हुआ उसका मृत तो सुनिश्चित है, एक बात। और रही बात चारे दाने की, तो चारे दाने में हम सभी लोगों ने, मेरी ग्राम सभा के सभी सभ्रांत व्यक्तियों ने, आम आदमी ने, मैंने भी चंदा स्वरूप इकट्ठा करके चारे की व्यवस्था बराबर निरंतर हम लोग कर रहे हैं, जो मेरी लोग क्षमता है क्षमता से अधिक कर रहे हैं। और रही बात चंदे चारे की, तो अभी तक हम लोगों को किसी भी तरह के 1 रुपए का बजट जारी नहीं हुआ है, ना मेरी जानकारी में, ना मुझे मिला है, ना ही मैंने निकाला है किसी तरह। लगातार शासन की तरफ से घोषणाएं हो रही हैं कि हर ग्राम पंचायत में चारे के लिए समुचित धन आवंटन किया जा रहा है, कहां तक सही है? सर, मेरी भी जानकारी में है, अभी देर दिन मैंने पेपर में पढ़ा था कि पूर्व उन्नाव जिले में 16 ब्लाकों में 14 ब्लाकों को 1-1 लाख रुपये जारी हुआ,
और मेरी ब्लॉक पुरवा विकासखंड पुरवा में 56 ग्राम पंचायतें हैं, तो सर 1-1 लाख रुपए से तो पुरवा ब्लॉक को ही 56 लाख रुपए मिलना चाहिए। अगर 56 ग्राम पंचायत की बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो पैसा नहीं आया है, अगर आया तो कहाँ गया है मेरी जानकारी मिली नहीं है। कहीं ये बिहार के बाद यूपी में चारा घोटाले का नंबर तो नहीं है? सर इस विषय में कोई कह नहीं सकता हूँ, क्यों मैंने ना निकाला है ना घोटाला करने की बात कह सकता हूँ। अगर मैं चूँकि अभिलेखों में पैसा आ रहा है, हवा हवाई पैसा आ रहा है, और यहाँ अधिकांश प्रतिनिधि बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है, तो कहीं ये उसकी नींव तो नहीं रखी जा रही है चारा घोटाले, जैसे बिहार में चारा घोटाला हुआ लालू जी के द्वारा, कहीं इस सरकार के द्वारा भी तो ये चारा घोटाले की नींव तो नहीं रखी जा रही है? देखिए मैं लालू जी के विषय में कुछ नहीं से कह सकता हूँ, चूँकि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके विषय में कुछ कहना संभव नहीं है। किंतु रही बात मेरे यहाँ की, तो मेरी जानकारी ये है कि मेरी ग्राम पंचायत विकासखंड पुरवा की ग्राम पंचायत पासाखेड़ा में मुझे 1 रुपये का भी अभी तक चारा के नाम पर पैसा नहीं मिला है, जो मेरी जानकारी है। अकाउंट जरूर खुलवाए गए हैं हम लोगों के। इस संबंध में अधिकारियों से बात किया कि जानवर मर रहे हैं और चारे की व्यवस्था के लिए समुचित धन नहीं है, तो अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन? अरे आश्वासन सर घुट्टी मिलती रहती है, उसमें क्या कहा जाए हम लोगों के लिए, और कुछ नहीं कहना समझेगा।